और मनेंद्रगढ़ में हुआ है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई के लिए कदम उठाया गया है। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई थी, पढ़ाई के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अब निर्देशित कर दिया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन जागा है और अब वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल मैं भरतपुर विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को यहाँ से निर्देशित किया, क्योंकि मनेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर से जनकपुर की दूरी 110 किलोमीटर है और उसके आगे कुदरा पहुँच पाना बहुत कठिन था। इसलिए हमने बीओ को निर्देशित किया। बीओ कल विजिट किया और विजिट करने के बाद जो भी परिस्थितियाँ थी छात्र हित में वो निर्णय लिए गए। तो क्या वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था होगी और बहुत से बच्चों को हम आसपास के जैसे 3 हॉस्टल हैं उन हॉस्टल में उनको प्रवेश दिलाएंगे और रेजिडेंशियल शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। शेष जो बच्चे हैं वो आसपास के जो स्कूल हैं वहाँ पे उनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे। और सहयोगी सुजीत शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, खबर का असर, वैकल्पिक व्यवस्था, कब तक ये मुहैया हो पाएगी बच्चों को? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज़ादी के बाद से कुदरपा जो गाँव है भरतपुर का, वहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई भवन है जहाँ पे बच्चे हैं। प्राथमिक शाला हो या माध्यमिक शाला, करीब 33 बच्चे वर्तमान में हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। पिछले सत्र में भी उन्होंने शिक्षा से वंचित रह गए थे। इसके बाद जो नया शाला जो प्रवेश हुआ उसमें बच्चे ने सरकार से गुहार लगाई कि स्कूल खोलने की, जिसको लेकर के न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल बीओ जो भरतपुर है उनको निर्देशित किया, वहाँ जाँच करने के लिए पहुंचे थे। जाँच के बाद जो है वहाँ आस पास जो गाँव है जो जितनी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। इधर बलौदा बाजार में देवांगन समाज के लोग थाने पहुंचे हैं। युवक की आत्महत्या के मामले में जांच की मांग समाज कर रहा है। जीवन लाल देवांगन, इसके पास एक सुसाइड नोट मिला था। लोगों ने जांच के लिए थाने में आवेदन दिया है। लोग चाहते हैं कि इस मामले की गहनता से गंभीरता से जाँच हो। इधर रायपुर में कांग्रेस की बैठक में जमकर गुटबाजी को लेकर नाराजगी सामने आई है। कवासी लखमा का गुस्सा सामने आया है। कवासी लखमा ने जमकर नाराजगी दिखाई और गुटबाजी को लेकर जो लखमा है वो भड़क गए। एक महिला नेता पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। गुटबाजी को लेकर कवासी लखमा भड़के हैं। हालांकि भड़कते हुए कवासी लखमा को आपने बहुत कम ही देखा होगा, पर उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, जमकर नाराजगी दिखाई। महिला नेता पर वो भड़क गए, गुटबाजी को लेकर नाराज थे। चुनाव वो हार चुके हैं, बस्तर से खड़े हुए थे, कोंटा से विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अपने अंदाज बयान इनके लिए जाने जाते हैं, पर नाराजगी और इस तरह से गुस्से को जाहिर करना ये बहुत कम कवासी लखमा को आगे में देखा होगा। आज कांग्रेस की बैठक में वो भड़क गए, गुटबाजी को लेकर अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से, किस महिला नेता को लेकर इतनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है? जी देखिए, महिला नेता को लेकर नहीं, महिला नेत्री जो है उन्होंने बैठक के बीच में नाराजगी जाहिर की। दरअसल ये जो पूरी बैठक हुई है उस बैठक में जो है वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई। वीरप्पा मोइली बैठे हुए थे, हरीश चौधरी बैठे हुए थे और उसके साथ ही चंदन यादव और विजय जांगिड जो प्रभारी सचिव है वो वहाँ पर मौजूद थे, उनके बीच में लोगों से बात कर रहे थे। इस दौरान जो है कवासी लखमा उन्होंने ये कहा कि अगर सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और आते। जाहिर तौर पर इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि वहाँ पर जो
है अपनों ने ही वहाँ पर दगा किया और यही वजह है कि कवासी लखमा जो है चुनाव हार गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महिला नेत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो दो महिला मंत्री बनाए जा सकते थे, संगठन में भी महिलाओं को उस तरह से तवज्जो जो है वो नहीं दी गई। और अभी भी अगर हम बात करें तो रायपुर को लेकर उस तरह का वर्चस्व जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी के सामने जो है वो जमकर एक तरह से गुस्सा फूटा और लोगों ने नाराजगी को लेकर भी जमकर एक बात की। तो लगातार ये बात हो रही थी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक होगी तो उसमें ये जमकर नाराजगी तो सामने आएगी, सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति न हो ये देखने वाली बात होगी। अभी जो है रायपुर लोकसभा को लेकर बैठक होगी, फिर महासमुंद लोकसभा को लेकर बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों से 1-to-1 होगा और पदाधिकारी उनसे भी होगा। तो बहुत सारी खोजा जा रहा है, अब खोजा जा रहा है, वजह खोजी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।